वैसे तो दोस्तों देखा जाए कि अगर आप एसोल के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एसोल में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो एसोल के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, इनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एसोल में। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो मिलती रहेगी। तो उन्हीं एक प्रॉब्लम में से आपके एक जो प्रॉब्लम है वो है क्लास रूम के बारे में, कि एक क्लास में दोस्तों कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने सारे बच्चे यहाँ पर अटेंड क्लास करते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आपके मन में ऐसे कई सारे अच्छे कॉलेजेस के मन में उभरते होंगे कि इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, हमें इनमें पढ़ने का मौका मिलेगा, इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे कम्प्लीट। और यहाँ पर दोस्तों, लेकिन जो एसओएल है यहाँ पर भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक क्लास होता है दोस्तों, इनके जो क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो काफ़ी छोटी होती हैं। तो बड़ी क्लास में भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितनी बड़ी क्लास है यहाँ पर भी आपको इतने सारे बच्चे देखने को मिलेंगे कि अगर आप अपनी सीट को फिक्स नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सीट को देखने के लिए या बैठने के लिए यहाँ पर आपको लड़ना या झगड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर कॉलेज होते हैं उनमें ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन वो अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए एसओएल में एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एसओएल में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, अब यहाँ पर इनके कुछ अलग अलग कैंपस वाइज बनाए जाते हैं कि इस कैंपस में इनकी क्लासेस चलेंगी, इनके दूसरे कैंपस में उन स्टूडेंट की क्लासेस चलेंगी, लेकिन फिर भी 4-5 कैंपस होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्लास रूम की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्लास होने के बावजूद भी यहाँ पे लाखों बच्चों को एक क्लास में बैठाया नहीं जा सकता, जिस वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यह है दोस्तों एक क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। बस